ये कहानी है एक डेविड नाम के लड़के की, जिसके पास है टेलीपोर्टिंग पावर्स। और उसको इन शक्तियों का तब पता चलता है जब वो 15 साल का होता है और वो हाई स्कूल में होता है। और वो एक बार बर्फ़ की जमी हुई झील में गिर जाता है और तभी उसकी टेलीपोर्टेशन पावर काम करती है और वो सीधा टेलीपोर्ट होकर एक पब्लिक लाइब्रेरी के अंदर चला जाता है। वो खुद भी हैरान हो जाता है ये क्या हुआ। फिर वो उसके बाद वो अपने घर पर आता है। उसकी माँ होती है, जब वो 5 साल का होता है उसे छोड़कर चली जाती है। और जो उसके पिताजी होते हैं वो दारू पीते रहते हैं, पियक्कड़ होते हैं। वो अपने घर पर आता है, उसके पिताजी उसे डांटने लगते हैं और वो इस चीज़ से बिल्कुल दुखी था। तो वो वहाँ से टेलीपोर्ट होके भाग जाता है, उस घर को छोड़कर चला जाता है अपने साथ कुछ पैसे लेकर, और एक रेंट के मकान पर रहने लगता है। और फिर एक दिन वो शहर के एक बहुत बड़े बैंक को लूटता है और उसमें से बहुत ज़्यादा पैसे निकाल लेता है। और बैंक वालों को पता भी नहीं चलता कि किसने कैसे किया, क्योंकि जो डेविड होता है वो अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर यूज़ करके उस बैंक की तिजोरी में जाता है और वहाँ से ज़्यादातर पैसा निकाल लेता है। और बैंक वाले हैरान हो जाते हैं कि बिना दरवाज़ा तोड़े और बिना किसी सील को तोड़े वो अंदर कैसे गया। और इसकी तहकीकात करने आते हैं रोनाल्ड वहाँ पर तहकीकात करने आते हैं। और फिर हमें कुछ साल आगे ले जाया जाता है, जब डेविड जवान हो चुका है। वो अपनी टेलीपोर्टेशन की पावर को बिल्कुल अच्छी तरह से जान चुका है कि उसे टेलीपोर्टेशन पावर कैसे यूज करनी है। और वो पूरे दिन मस्ती करता रहता है, उसके पास बहुत पैसा है, अब वो एक अमीर आदमी बन चुका है बैंकों को लूट लूट कर। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक जंगल, जिसके अंदर जो रोनाल्ड और अब होता है जो तहकीकात करने आया था उस बैंक में, वो एक लड़के को पकड़ लेता है तारों से जंगल के अंदर और उसे बेरहमी से मार देता है, क्योंकि जो वो लड़का था उसके पास भी टेलीपोर्टेशन की पावर थी और रोनाल्ड को ये पसंद नहीं जो टेलीपोर्टेशन करते हैं। वो कहता है कि ये ताकत सिर्फ भगवान के पास होनी चाहिए और वो उसे मार देता है। उसके बाद जो रोनाल्ड होता है उसके पास डेविड की लोकेशन आ जाती है, जो डेविड होता है उसकी लोकेशन उसके पास पहुंच जाती है रोनाल्ड के पास। जब डेविड अपने घर पर पहुंचता है तो उसे रोलैंड मिलता है। रोलैंड कहता है कि मैंने तुम्हें 8 सालों तक ढूंढा, तुमने उस बैंक में इतनी बड़ी डकैती करी थी। डेविड कहता है मैं नहीं जानता तुम्हें। और वो रोनाल्ड होता है वो डेविड के ऊपर हमला करने लगता है। उसके पास एक बिजली की टॉर्च होती है जो वो डेविड को लगाता है, जिससे उसकी टेलीपोर्टेशन की पावर काम नहीं करती, क्योंकि बिजली के झटके के कारण टेलीपोर्टेशन पावर रुक जाती है। पर जो डेविड होता है वो जैसे तैसे करके वहाँ से भाग जाता है और वो अपने साथ कुछ पैसे भी ले जाता है। और जब रोनाल्ड वहाँ पर उसके घर में तहकीकात कर रहा होता है तो उसे एक दराज के अंदर मेली का फ़ोटो मिलता है, जो उसकी बचपन की दोस्त होती है डेविड की। उसके बाद जो डेविड होता है वो मेली के घर पर पहुँचता है, पर मेली वहाँ पर होती नहीं। तो उसकी माँ बताती है कि मेली एक बार में काम करती है। तो डेविड उस बार में जाता है जहाँ पर उसे मिली और मार्क मिलते हैं। मार्क मिली से बदतमीजी करता है तो मार्क उसके साथ लड़ाई करने लग जाता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। और मार पिटाई में डेविड मार्क को टेलीपोर्ट करके एक बैंक की तिजोरी के अंदर डाल देता है और वहाँ से खुद वापस आ जाता है। और जो मिली होती है वो पूछती है मार्क कहाँ गया, तो डेविड कहता है वो यहाँ से भाग गया, मैंने उसे भगा दिया। फिर जो डेविड होता है वो कहता है कि तुम्हारा तो सपना था रोम जाने का, तो क्या तुम मेरे साथ रोम चलोगी। तो मिली कहती है मैं चलूँगी। और फिर वे दोनों रोम कोलिजियम में घूमने जाते हैं, जो रोम का एक बहुत पुराना आर्किटेक्चर है, उसके अंदर वे घूमने जाते हैं। उसके बाद रोम कोलिजियम होता है उसके दरवाजे बंद होते हैं, तो डेविड अपनी टेलीपोर्टेशन पावर यूज़ करके उन दरवाज़ों को खोल रहा होता है, पर मिली को बिल्कुल पता नहीं होता कि वो ऐसा कर रहा है। और तभी जो डेविड होता है उसे एक ग्रिफिन नाम का लड़का मिलता है और ग्रिफिन उसे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम अपनी शक्तियों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है उन्हें पता नहीं लगा होगा। तो डेविड कहता है तुम कौन हो। डेविड तो वो ग्रिफिन कहता है मेरे पास भी टेलीपोर्टेशन पावर है और जो पैलेडियंस है वो हमें मारने के लिए आ रहे हैं। और तभी वहाँ पर कुछ लोग उन्हें मारने के लिए आते हैं, पर जो ग्रिफिन होता है वो बिल्कुल ट्रेंड होता है और उन सबको मार देता है। और जो मिली होती है वो अंदर होती है, एक कमरे के अंदर होती है जो रोम कोलिजियम की, और वो उसको आवाज़ आ रही होती है, उसको समझ भी नहीं आ रहा होता कि बाहर चल क्या रहा है, उसे पता भी नहीं होता। और जो डेविड होता है वो छुपा हुआ होता है। और जब वे सब पैलेडियंस मारे जाते हैं तो डेविड और ग्रिफिन उस पैलेडियंस की लाश के पास खड़े हुए होते हैं, तो तभी वहाँ पर एक औरत आती है और उस लाश को देख लेती है और वो वहाँ पर शोर मचाने लगती है।
और जो ग्रिफिन होता है वो स्पेल एडिशन की डेड बॉडी को टेलीपोर्ट करके अपने साथ ले जाता है। पर जो डेविड होता है वो जब बाहर निकलता है तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और मिली भी उससे पूछती है कि तुमने वहाँ पर ऐसा करा क्या है। उसके बाद उसको पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है जहाँ पर उससे तहकीकात चल रही होती है कि बताओ तुमने डेड बॉडी को कहाँ पर छुपाया है। पर तभी वहाँ पर उसकी मोम आ जाती है, जो डेविड की मोम आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पास बस 20 सेकेंड है। और जो डेविड होता है वो वहाँ से भागने लगता है पर वो पुलिस ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो पुलिस ऑफिसर को टेलीपोर्ट करके इजिप्ट में भेज देता है और वहाँ से खुद वापस आ जाता है और वो मिली को अपने साथ एयरपोर्ट पर ले जाता है और मिली को वहाँ से अकेला रवाना कर देता है, कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता। और उसके बाद जो रोलांड होता है वो डेविड के पिताजी से मिलने जाता है और उससे पूछता है कि आपने डेविड को देखे हुए कितने साल हो गए, तो कहता है कि मैंने उसको 8 सालों से नहीं देखा। और वो उसकी मोम के बारे में भी पूछता है तो कहता है कि उसको तो वो जब छोटा था 5 साल का तभी उसको छोड़कर चली गई थी और मुझे भी। और फिर जो रोनाल्ड होता है वो कहता है कि डेविड के बारे में कुछ भी पता चले तो सीधा हमें बताना, तो वो डेविड के पिताजी होते हैं वो मना कर देते हैं। उसके बाद जो डेविड होता है वो ग्रिफिन से मिलने जाता है और वो ग्रिफिन से पूछता है कि ये हमें मार क्यों रही है, पैलेडियंस हमें मारना क्यों चाहते हैं। तो डेविड जो ग्रिफिन बताता है कि हम जंपर्स हैं, ये इसलिए मार रहे हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, ये हमें इसलिए मार रहे हैं। पहले के ज़माने में हमें चुड़ैल समझकर मारा जाता था और आज के नए ज़माने में हमें जंपर्स कहा जाता है। उसके बाद जो डेविड होता है वो अपने घर पर जाता है क्योंकि ग्रिफिन ने बताया था कि ये तुम्हारे आसपास के लोगों को भी मार देगा, तुम्हारी फैमिली मेम्बर्स को भी मार देगा। तो डेविड अपने घर पर पहुँचता है जहाँ पर उसके पिताजी की डेड बॉडी होती है। वो उस डेड बॉडी को हॉस्पिटल के अंदर टेलीपोर्ट करता है और रोने लग जाता है कि इनको कोई बचा लो, पर वो मारा जाता है। फिर वो सीधा ग्रिफिन से मिलने जाता है, कहता है कि जो मिली है उसकी 8 घंटे के बाद एयरपोर्ट पर लैंडिंग होने वाली है और मुझे डर है कहीं रोनाल्ड उसे भी ना मार दे। ग्रिफिन होता है वो मना कर रहा होता है और वो चाइना के अंदर टेलीपोर्ट हो जाता है और डेविड भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और उसके बाद वो वहाँ से जो ग्रिफिन होता है वहाँ से एक गाड़ी को चुराता है और वो एक गाड़ी को पागलों की तरह चला रहे होते हैं रोड पर और वो टेलीपोर्ट कर रहा होता है गाड़ी को एक तरफ से दूसरी तरफ ताकि एक्सीडेंट ना हो जाए। और उसके बाद जो डेविड होता है वो कहता है ग्रिफिन से कि चलो अब तो चलो एयरपोर्ट पे उसे बचाने के लिए। तो वे एयरपोर्ट पर जाते हैं, पर जो एयरपोर्ट पे जाने के बाद वे देखते हैं कि वे 1 घंटा लेट है, जो फ्लाइट है वो 1 घंटा पहले आ चुकी है। और जो डेविड होता है वो अकेला ही मिली के घर पर जाता है जहाँ पर वो मिली से बताता है कि मैं कोई बैंकर नहीं हूँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था, मैं बैंकों को लूटता हूँ। पर तभी वहाँ पर रोलैंड आ जाता है और उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, पर जो डेविड होता है वो मिली को अपने साथ टेलीपोर्ट करके ग्रिफिन की गुफा में चला जाता है क्योंकि ग्रिफिन एक गुफा में रहता था, उसका घर एक गुफा था, वो छुपा हुआ था। तो वहाँ पर टेलीपोर्ट होने के बाद जो ग्रिफिन होता है वो गुस्से में आ जाता है कि तुम यहाँ पर इसे टेलीपोर्ट करके क्यों लिया है, क्योंकि अब यहाँ पर एक वार्म होल खुल जाएगा और उनके पास एक ऐसी मशीन है जो उस वार्म होल को हमेशा खुला रखेगी और वो हमारे पास आ जा सकते हैं, वो हमारे पास टेलीपोर्ट हो जाएंगे। और तभी जो रोलांड और उसके आदमी उसके अंदर वार्म होल से उनकी तरफ आ जाते हैं और वे डेविड को पकड़ लेते हैं। पर जो ग्रिफिन होता है उसके पास एक फ्लेमिंग टॉर्च होती है और वो उन पर मारने लगता है, उनकी काफ़ी देर लड़ाई चलती है। पर जो मिली होती है वो डेविड होता है उसको तारों से बाहर निकालती है क्योंकि जो रोनाल्ड होता है उसने उसको तारों में बांधा हुआ था और वो उन तारों में इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसके कारण जो डेविड होता है वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाता। पर जो मिली होती है उन तारों को काट देती है और जो ग्रिफिन होता है वो उसके और जो रोनाल्ड होता है वो उस वार्म होल के अंदर वापस चला जाता है क्योंकि उसके ऊपर फ्लेमिंग टॉर्च से फायर करा गया था और ग्रिफिन भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और तभी ग्रिफिन वापस आ जाता है और कहता है कि मैंने वार्म होल को बंद कर दिया। पर जो रोनाल्ड होता है वो तभी मिली को आकर ले जाता है, उसे किडनैप कर लेता है। और जो डेविड होता है वो ग्रिफिन से मदद मांगता है कि तुम मेरी मदद करो मिली को वापस लाने में, पर ग्रिफिन का तो कुछ और ही प्लान था, वो वहाँ पर एक बम सेटअप कर रहा था ताकि वहाँ पर रोनाल्ड सब मारे जाए। तो डेविड कहता है कि उसके साथ तो मिली भी मारी जाएगी, तो ग्रिफिन कहता है मुझे कोई मतलब नहीं। तो डेविड उससे बम का डिटोनेटर छीन लेता और वहाँ से भाग जाता है टेलीपोर्ट होकर। फिर उन वे दोनों आपस में भाग ही रहे होते हैं, कभी उसके पास डिटोनेटर जाता है कभी उसके पास डिटोनेटर जाता है,
वे एक देश से दूसरे देश, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, पर तभी वो एक वॉर के बीच में पहुंच जाते हैं जहां पर युद्ध चल रहा होता है। और वहां पहुंचने के बाद जो डेविड होता है वो ग्रिफिन को एक इलेक्ट्रिसिटी टावर के अंदर बंद कर देता है, और उस इलेक्ट्रिसिटी टावर के अंदर होती है बिजली, जिसके कारण जो ग्रिफिन होता है वो टेलीपोर्ट नहीं कर पाता और डेविड उस डिटोनेटर को तोड़ देता है। फिर डेविड मिली को बचाने के लिए अकेला जाता है उसके घर पर, जहाँ पर जो रोनाल्ड और उसके जो आदमी होते हैं उस पर हमला कर देते हैं उस इलेक्ट्रिसिटी टॉर्च से, और उसे बिजली के तारों में बांध देते हैं। पर जो और जो रोनाल्ड होता है वो मिल डेविड को मारने के लिए आ रहा होता है, पर तभी जो डेविड होता है अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल करके बिल्डिंग के उस हिस्से को टेलीपोर्ट कर देता है। वो टेलीपोर्ट होकर एक लेक में चला जाता है, पानी का लेक, पे सब डूबने लगते हैं। वो फिर एक बार और टेलीपोर्ट होता है, और इस बार वो फिर पब्लिक लाइब्रेरी में टेलीपोर्ट हो जाती है वो जगह, और जो डेविड होता है वो बेहोश हो जाता है। मेली उसको उठाती है, फिर वहाँ पर रोनाल्ड भी पहुँच जाता है, और जो डेविड होता है उसे होश आ गया होता है। वो रोनाल्ड को अपने साथ टेलीपोर्ट करके पहाड़ियों के अंदर ले जाता है, जहाँ से रोनाल्ड का आना नामुमकिन था, बहुत मुश्किल था। उसके बाद जो डेविड होता है वो अपनी माँ से मिलने जाता है, जहाँ उसे पता लगता है कि उसकी माँ एक पैलेडियन है और वह एक जंपर है, मतलब उसकी माँ का काम है उसको मारना। उसकी माँ बताते हैं कि तुम सिर्फ 5 साल के थे जब तुम जंपर बने और एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होने लगे, तो मेरे पास सिर्फ 2 रास्ते थे, क्या तो तुम्हें मार दूँ क्या तुम्हें छोड़ दूँ। और उसके बाद डेविड वहाँ से निराश होकर वापस आ जाता है, और उसे मिली मिलती है, और मिली कहती है कि इस जगह पर बहुत ज़्यादा ठंड है, तुम मुझे किसी गर्म जगह पर ले चलो, और वे दोनों वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।